हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ईज। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा घी रोस्ट की बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट रेसिपी, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और अगर आप भी एक एग लवर हैं या फिर आपको अंडे से बनी करीज या ग्रेवी खाना पसंद है तो ये वाली डिश आपकी वन ऑफ द फेवरेट डिश होने वाली है अगर आपने इसको एक बार बनाकर खा लिया, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करना है। उसके लिए एक बोल में हम लेंगे मुट्ठी भर के काजू और 10 कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इसलिए यूज़ किया है, इससे ना तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा तीखी बनेगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो आधी तीखी वाली लाल मिर्च और आधी कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें गर्म पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए हमें सोक कर लेना है। आइए हम जब तक आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके बाद हमें लेना है 7 उबले हुए अंडे, जिनको मैंने पहले से ही पील कर लिया था। उसके बाद इनमें हमें चीरा लगाना है चाकू से, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और काजू दोनों ही अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब इन दोनों को एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करके उसके बाद इसमें डालें 10 छिली हुई लहसुन की कलियां और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लें। इसके बाद हमें बनाना है सूखा मसाला। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 1.5 बड़े चम्मच धनिए के बीज, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, उसके बाद इसमें डालें 1 छोटी चम्मच जीरा, फिर डालें 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच मेथी के बीज और 1 बड़ा चम्मच पॉपी सीड्स डालकर सभी चीज़ों को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लें जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। उसके बाद गैस को बंद करके सभी चीज़ों को ठंडा करके इसे दरदरा पीस लें। इसके बाद सेम पैन में हम लेंगे 4 बड़े चम्मच घी के और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डालें 12 से 15 करी पत्ते, फिर डालें 3 लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद इसमें डालें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। फिर इसमें जो हमने काजू लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको डालें और धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनते समय इस पेस्ट को बीच बीच में चलाते रहें, क्योंकि इसमें काजू डाला है ये नीचे से चिपक सकता है और जल सकता है। जब तक मसाला भून रहा है आइए हम अंडों को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए एक दूसरे पैन में डाल लें 1 बड़ा चम्मच घी, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 8 से 10 करी पत्ते और आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी को डालकर सभी चीज़ों को मिला लें। उसके बाद इसमें डालें 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और इसे भी मीडियम फ्लेम पर भून लें जब तक प्याज हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से भुन चुका है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसमें डालें 1/4 छोटी चम्मच नमक और नमक को भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। उसके बाद जो हमने अंडों में चीरा लगा कर रखा था उनको डालें और मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर इसे भी रोस्ट कर लें करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक अंडे का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। अंडे भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब आइए हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मिर्ची का पेस्ट भी अच्छे से भुन चुका है और इसमें से घी भी अलग हो गया है। अब इसमें डालें अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, उसके बाद इसमें डालें जो हमने एक दरदरा सा पाउडर बना के रखा था उसको, और उसके बाद डालें नमक स्वाद अनुसार और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसमें डालें 1 कप पानी, दोबारा से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें, फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे बिना ढक्कन लगाकर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर ग्रेवी में से घी अलग नहीं हो जाता तब तक। 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ग्रेवी में से घी अलग हो चुका है। अब इसमें डालें 1 छोटी चम्मच जैगरी पाउडर, आधी छोटी चम्मच इमली का पल्प, अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप इमली का पानी भी इसमें डाल सकते हैं 2 छोटी चम्मच। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लें और आपकी बहुत ही स्वादिष्ट अंडा घी रोस्ट ग्रेवी बनकर तैयार है। दिख रही है ना ये कितनी माउथ वाटरिंग, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होती है। तो आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें स्टीम राइस के साथ, तंदूरी रोटी, नान या फिर तवा रोटी के साथ। और इसे एक बार आप ज़रूर बनाकर खाएं, क्योंकि मेरी गारंटी है अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो ये नेक्स्ट टाइम से आपकी फेवरेट हो जाएगी और आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे।
इस रेसिपी की सारी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो या फिर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।